श्रीमन नारायण ने मोहिनी स्वरूप धारण किया है। बोलिए मोहिनी स्वरूप भगवान की जय। भगवान मोहिनी नारायण बनकर प्रकट हो गए। अब तो जैसे ही भगवान मोहिनी नारायण बनकर प्रकट हुए, बहुत सुंदर श्रृंगार किया है ठाकुर जी ने। वो चुम 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 भगवान के पग की पायल बज रही है। फूलों के महाराज फूलों से सुंदर श्रृंगार किया है। और ठाकुर जी अब तो हाथ में गेंद उछालते हुए नाचते हुए मोहिनी नारायण जहां पर ये दैत्य थे उनके बीच में पहुंच गए। और जैसे इन दैत्यों के बीच में भगवान मोहिनी नारायण पहुंचे, इन दैत्यों ने जैसे ही भगवान मोहिनी नारायण को देखा, देखते ही सब के सब मोहित हो गए। उसी का नाम तो दैत्य है महाराज। दैत्य कहते किसे हैं, जो किसी को भी देखे और मोहित हो जावे जिसमें भी, उसी का नाम तो दैत्य है भगवान। और उसमें भी मोहिनी नारायण स्वयं ठाकुर जी मोहिनी बनकर आ जाए और इन दैत्यों के, तो फिर इनका तो क्या होना है। ये सब दैत्य सब भूल गए भगवान मोहिनी नारायण को देखकर। इतने सुंदर लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी, इतने सुंदर लग रहे हैं। वैसे भी हमारे ठाकुर जी तो बहुत सुंदर हैं। हमारे वृंदावन के भक्त वैष्णव ठाकुर जी को कहते हैं ना, ठाकुर जी इतने सुंदर हैं कि वैष्णव लोग कहते हैं ठाकुर जी को, श्याम लला यदि तुम होत लली, श्याम लला यदि तुम होत लली, तो गले कट जात करोरन के, गले कट जात करोरन। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, ओ बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मुस्कनिया पे जय हो, तेरी मुस्कनिया पे बलिहार, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। श्री राधे दोनों हाथ ऊपर उठा के सभी लोग, बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे। चित बनिया पे तेरी तिरछी सी चित बनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे बलिहार, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। बाल
मुकुटी लटकनिया पे तेरी मोर मुकुटी लटकनिया पे ओ बलिहार प्यारे जू बलिहार प्यारे जू बलिहार प्यारे जू बलिहार प्यारे जू तेरी मुस्कनिया पे तेरी मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बड़ी पतवारी लगती है प्यारी प्यारी चाल बड़ी पतवारी लगती है प्यारी प्यारी तेरी चाल बड़ी पतवारी लगती है प्यारी प्यारी तेरी चाल बड़ी पतवारी लगती है प्यारी प्यारी तेरी पायल की रुन झुनिया पे तेरी पायल की रुन झुनिया ओ बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो संग मेरा था प्यारी लगती है प्यारी प्यारी संग मेरा था प्यारी लगती है प्यारी प्यारी तेरे संग मेरा था प्यारी लगती है प्यारी प्यारी संग मेरा था प्यारी लगती है प्यारी प्यारी युगल छवि पे जाऊं इस युगल छवि पे जाऊं बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो 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 हमारे ठाकुर जी इतने सुंदर हैं महाराज इतने सुंदर हैं और उसमें भी कहीं मोहिनी बन जाएं तो इन असुरों का और असुरों के बीच में आ जाएं तो असुरों का क्या होगा। भोले बाबा भी एक बार मोहिनी भगवान के स्वरूप में मोहित हो चुके हैं कथा आप लोग जानते होंगे। तो ठाकुर जी हमारे इतने सुंदर और उसमें भी मोहिनी बन गए और इन दैत्यों के बीच में आ गए। आप तो दैत्य भूल गए महाराज अपने आप को। कहा आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो, आप लोग तो बड़े भद्र पुरुष लग रहे हो और फिर आपस में लड़ रहे हो। बोले नहीं देवी, यह अमृत हमारे हाथ में ना, इसके लिए हमारी लड़ाई हो रही है। बोले आपस में क्यों लड़ते हो, लाओ मुझे दे दो, मैं अपने हाथों से आपको बांट देती हूँ पिला देती हूँ। कहा आप तो ऐसे मोहित हुए भगवान मोहिनी नारायण ने। कहा देवी अब तो तुम जो करो सो भला, तुम जो करो वही ठीक है। और भगवान मोहिनी नारायण के हाथ में वो अमृत कलश दे दिया। कहा देखो मैं तो तुमको चाहती हूँ,
इसीलिए तुमसे कह रही हूँ, तुम अपने पन वाली बात कि इसमें ऊपर वाला जो अमृत है ना वो तो पानी पानी वाला पतला पतला अमृत है, लेकिन नीचे वाला जो है वो असली वाला अमृत गाढ़ा गाढ़ा अमृत है। तो गाढ़ा वाला जो अमृत है, बढ़िया वाला जो अमृत है, वो तो मैं बाद में तुमको पिला दूंगी, और ये पतला पतला इन देवताओं को तो इनको पता भी नहीं चलेगा और अपना काम भी। बोले अरे देवी अब तो तुम जो करो सो ठीक, अब तो तुम्हारे ही हाथ से अमृत पिएंगे। बोलो राधे राधे। और ऐसे फंसे महाराज भगवान मोहिनी नारायण के चक्कर में ये दैत्य। सुखदेव जी कहते हैं सब भगवान मोहिनी नारायण को तो देख रहे हैं दैत्य, लेकिन मोहिनी नारायण कर क्या रहे हैं ये कोई नहीं देख रहा है। बोलो राधे राधे। भगवान ने देवताओं को इशारा कर दिया लग जाओ लाइन में, अब तुम्हारा ये सब देवता लाइन में लग गए। और यहां पर भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया, और सब जब देवताओं को अमृत पिला दिया तब पता चला इन दैत्यों को कि अरे ये तो श्रीमन नारायण ही मोहिनी बनकर आए हैं हमको छलने के लिए। तब तो सभी दैत्य दौड़े हैं भगवान को पकड़ने के लिए, तब तक तो भगवान मोहिनी नारायण वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब तो यहाँ पर भयंकर युद्ध हो गया है, समुद्र के तट पर ही देवासुर संग्राम छिड़ा। लेकिन देवता तो अमृत पीकर अब अमर हो चुके थे। इन सभी देवताओं ने जितने भी दैत्य थे महाराज सभी दैत्यों को खत्म कर दिया, मार दिया, सब दैत्य मारे गए। स्वर्ग का राज्य देवराज इंद्र के हाथ में आ गया। लेकिन अब हुआ ये कि देवताओं के वो दैत्यों के जो गुरु हैं उनका नाम है शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य जी के पास में है संजीवनी विद्या, और शुक्राचार्य जी ने अब अपनी संजीवनी विद्या के प्रभाव से दैत्य राज बलि को पुनर्जीवित कर दिया, और भृगु ऋषि आदि ब्राह्मणों के द्वारा ऐसे सुंदर यज्ञ का यजन करवाया। उस यज्ञ से बहुत सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र और एक दिव्य रथ की प्राप्ति हो गई है बलि राजा को। और अब शुक्राचार्य जी ने आशीर्वाद दिया, कहा जाओ आक्रमण कर दो तुम दैत्यों देवताओं पर, हमारा आशीर्वाद है तुम्हारी विजय होगी। और अब तो अपने गुरु शुक्राचार्य का आशीर्वाद लेकर ये सब दैत्य आए हैं। तो भले ही देवता लोग अमृत पीकर अमर हो गए, लेकिन ये सब देवता पराजित हुए हैं दैत्यों से, दर दर की ठोकरें खाने लगे। स्वर्ग छोड़कर इनको भागना पड़ा वहां से। रोते रोते भगवान की शरण में गए, कहा प्रभु आपने कहा था समुद्र मंथन करो अमृत पियो, लेकिन हम लोग अमृत पीकर अमर तो हो गए लेकिन हमारा भय समाप्त नहीं हुआ। दैत्यों ने हमारे राज्य को पुनः हमसे छीन लिया, अब हम क्या करें। भगवान ने कहा देखो इस समय तो तुम्हारा समय खराब आया है, इस समय तुम कहीं जाकर छुप जाओ, क्योंकि इस समय जो बलि है ना वो अपने गुरु शुक्राचार्य की कृपा से बहुत बलवान हो गए हैं, और जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है उसका मैं भी चाहकर कुछ बिगाड़ नहीं सकता हूं। तो इस समय बलि अपने गुरु की कृपा से शुक्राचार्य की कृपा से बलवान है, तुम्हारा समय खराब आया है, तुम कहीं जाकर छुप जाओ, अभी तो कुछ नहीं हो सकता है। भगवान ने देवताओं ने कहा महाराज हमारे इस खराब समय का अंत कब आएगा। कहा वो तो हमको पता नहीं, देखो जब बलि में और उनके गुरु में लड़ाई होगी तभी तुम्हारे इस खराब समय का अंत आएगा। कहा महाराज बलि में और उनके गुरु में लड़ाई कब होगी। भगवान ने कहा वो तो हमको नहीं पता, लेकिन तुम चिंता मत करो यदि नहीं होगी लड़ाई तो भी हम कराएंगे, लेकिन इस समय तो तुम कहीं जाकर छुप जाओ। अब तो महाराज दैत्य राज बलि अपने गुरु शुक्राचार्य की कृपा से बहुत बलवान हो गए हैं, और देवता सब पर्वतों की कंदराओं में गुफाओं में छिप छिप कर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, छिप छिप कर अपना समय काट रहे हैं। अब यहाँ पर दैत्य राज बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछा महाराज संविधान क्या कहता है, मैं संविधान के अनुसार इंद्र बनना चाहता हूं। इस समय इंद्रासन मेरे पास है लेकिन मैं संविधान के अनुसार, तो वहां भी तो कोई संविधान होगा, जैसे हमारे यहाँ पर भी तो संविधान है ना, इतने सांसद इतने MLA आपकी पार्टी के होंगे तो फिर आपकी सरकार बनेगी।
वहां भी कोई संविधान होगा। तो बोले हाँ संविधान तो है। बोले क्या? जो सौ अश्वमेध यज्ञ करे वही इंद्रासन का सच्चा अधिकारी है। तो कहा फिर तो हम करेंगे सौ अश्वमेध यज्ञ। तो कहा ठीक है हम कराएंगे। और महाराज अब तो शुक्राचार्य दैत्यराज बलि को नर्मदा जी के तट पर लेकर आए हैं और नर्मदा जी के तट पर उन्होंने सौ अश्वमेध यज्ञों का संकल्प किया और अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुए। एक दो तीन चार करते करते महाराज 99 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न परिपूर्ण हो गए दैत्यराज बलि के। और जैसे सवा अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ है, सवा अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ होते ही देवताओं की जो माता है अदिति उनको चिंता हुई और उन्होंने अपनी चिंता अपने पति कश्यप के सामने रखी। कहा महाराज इस समय मेरे सभी पुत्र देवता बहुत दुखी हैं। दैत्यों ने मेरे बच्चों के राज्य को छीन लिया है। आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे बच्चों को उनका राज्य वापस मिल जाए। ठाकुर जी हमारे बच्चों को उनका राज्य वापस दिला देवे। तब तो यहाँ पर कश्यप महाराज ने माता अदिति को 12 दिवस का कठिन पयोव्रत धारण करने के लिए कहा है। ये जो पयोव्रत है ये पयोव्रत 12 दिवस का है महाराज। और भागवत में इसका विधान भी लिखा हुआ है कैसे कैसे किया जाता है। किसी की संपत्ति किसी ने हरण कर ली हो, सब कुछ चला गया हो उसका, और वो यदि पयोव्रत करे तो ठाकुर जी फिर उसको उसकी संपत्ति दिलाते हैं। और किसी के पुत्र नहीं, बहुत सारा ये इसका बड़ा महत्व है पयोव्रत का। कोई माता अपने बच्चों के लिए हित के लिए करती हैं तो माता अदिति ने यह 12 दिवस का कठिन पयोव्रत धारण किया है। और जैसे ही उनका व्रत पूर्ण हुआ 12 दिवस का, उसी समय स्वयं यज्ञ नारायण भगवान श्रीमन नारायण उनके सामने प्रकट हुए हैं। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए माता अदिति ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करी है। यज्ञेश यज्ञ यज्ञेश यज्ञ पुरुषच्युत तीर्थ पाद तीर्थ श्रव श्रवण मंगल नाम ध्येय आपन्न लोक ब्रजमो पसमो दयाद्य सन्नः क्रदीश भगवन् नजदीननाथः। उसी समय कश्यप महाराज को पता चला भगवान प्रकट हुए हैं। कश्यप महाराज भी यहाँ पर दौड़े दौड़े आए। तब माता अदिति ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा प्रभु इस समय मेरे सभी पुत्र देवता बहुत दुखी हैं। दैत्यों ने अन्याय से उनके राज्य को छीन लिया है। आप कृपा करके मेरे बच्चों को उनका राज्य वापस दिलाइए। तब भगवान ने कहा देखो माता अदिति इस समय दैत्यराज बलि यज्ञों के द्वारा हमारा यजन कर रहे हैं, तो वो भी तो हमारे भक्त ही हुए ना, इसीलिए हम बलि को मार तो नहीं सकते हैं। लेकिन माँ हम विचार करते हैं कि हम बलि को मार तो नहीं सकते लेकिन आपका ये व्रत भी तो निष्फल नहीं जा सकता है। तो हमने बहुत विचार करने के बाद में सोचा है हम बलि को मार तो नहीं सकते लेकिन हम बलि से मांग तो सकते हैं। बोलो राधे राधे। माँ तुम्हारे प्रेम के कारण, तुम्हारे इस व्रत के प्रभाव के कारण, तुम्हारी भक्ति के कारण हम बलि राजा के यहाँ भिक्षुक बनकर मांगने के लिए जाएंगे। और सारे जगत को देने वाला, सारे जगत का जो मालिक है, आज वही परमात्मा भिक्षुक बनकर बलि राजा के यहाँ जाने के लिए तैयार हुए। तो भैया मांगने वाला हमेशा छोटा होता है ना। बोलो राधे राधे। किसी से कुछ मांगना हो, किसी से कुछ लेना हो तो मांगने के लिए तो छोटा बनना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। बिना छोटा बने तो मांग नहीं सकते हो। तो भगवान इसीलिए छोटे बनकर आए। कैसे बनकर? वामन बनकर आए। वामन अंगुल के ठाकुर जी छोटे से बनकर आए हैं। बोलिए वामन स्वरूप भगवान की जय। भगवान वामन बनकर आए हैं। और अब तो यहाँ पर जैसे ही भगवान वामन प्रकट हुए
भगवान वामन का कैसा स्वरूप है। तम्बट वामनम दृष्ट्वा मोदमान प्रमर्षया करमाणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। वामन अंगुल के हैं भगवान, गोवत्स पद प्रमाण भगवान के मस्तक पर सिखा है, भस्म का त्रिपुंड लगा हुआ है, मूंछ की मेखला, किसी ने मूंछ की मेखला प्रदान कर दी, किसी ने दंड कमंडल प्रदान कर दिया, किसी ने छत्र प्रदान कर दिया भगवान वामन को। पग में महाराज खड़ाऊ पहने हुए हैं भगवान वामन, और साक्षात माँ अन्नपूर्णा ने अब भगवान वामन के कमंडल में भिक्षा पात्र दिया है। देव गुरु बृहस्पति ने भगवान वामन का यज्ञोपवीत संस्कार कराया है और कहा त्रैलोक्य की भिक्षा बलि राजा के हाथ से लेकर आओ हमारे लिए। और अब यहाँ पर भगवान वामन, छोटे से वामन भगवान आ रहे हैं बलि राजा के यज्ञ में। आप लोग भी भगवान वामन का पूजन करेंगे, आइए हम लोग भगवान वामन का दर्शन करें। बलि राजा के द्वारे आए, राजा के द्वारे आए, हरि वामन का रूप बनाए। बलि राजा के द्वारे आए, कि ऐसा कौन सा तेजस्वी ब्राह्मण है ये, तो सब ब्राह्मण यज्ञशाला छोड़ छोड़कर दौड़े हैं भगवान वामन का दर्शन करने के लिए। बलि राजा को आश्चर्य हुआ, कहा ये कौन सा ऐसा तेजस्वी ब्राह्मण आ गया जिसका दर्शन करने के लिए सारे के सारे ब्राह्मण दौड़े, नहीं तो ये ब्राह्मण तो यज्ञशाला छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं थे, ये तो कोई विशिष्ट ही लगता है, नहीं तो कोई आ जावे ब्राह्मण तो ब्राह्मण ठहरे, वो कहां किसी को देखने के लिए जाएंगे यज्ञशाला छोड़कर, वो भी
कौन है ये जिसको देखने के लिए सारे ब्राह्मण दौड़ पड़े हैं। और जैसे ही बलि राजा दौड़े दौड़े आए, बलि राजा ने आज जैसे ही भगवान वामन का दर्शन किया, महाराज बलि राजा का जीवन धन्य हो गया। बोलो राधे राधे। आज बलि राजा का जीवन सफल हो गया। भगवान वामन का दर्शन करते ही बलि राजा तो दौड़ कर आए हैं, भगवान वामन के चरणों में गिर पड़े। महाराज स्वागतम स्वागतम, महाराज आपका स्वागत है। दिव्य तेज भगवान वामन से प्रकट हो रहा है। महाराज आज आपका दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। आप हमारे यज्ञ में पधारे हैं, आज हमारा कुल पावन हो गया, मेरा यज्ञ सफल हो गया, मेरा यज्ञ तो पूर्ण हो गया आपके आने मात्र से। अद्य मे पितरास्तृप्ताः, अद्य मे पावनम कुलम, आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा कुल पावन हो गया। महाराज स्वागतम किम दीयताम, अब मुझे बस आज्ञा करो मैं आपको क्या दूं। भगवान वामन ने कहा, रे भैया हम कुछ लेने थोड़ी ना आए हैं, हम तो तुम्हारे यज्ञ का दर्शन करने आए थे, बहुत सुनी थी प्रशंसा आपके यज्ञ की, तो हम आपके यज्ञ का दर्शन करने के लिए आए हैं। बोले दर्शन तो करने आए हो ठीक है महाराज, लेकिन अब हमारे मन में हो रहा है कि हम आपको कुछ दें। बोले आपके मन में तो होगा ही राजा, क्यों? क्योंकि आपका तो पूरा कुल, आपका पूरा खानदान दानी ही रहा है, आपके दादा परदादा वृद्ध परदादा ये सब के सब बहुत बड़े बड़े दानी रहे हैं, है ना? आपके जो परदादा थे हिरण्यकश्यपु, वो तो इतने बड़े दानी थे श्रीमान हिरण्यकश्यपु जी महाराज, कि उन्होंने तो अपने प्राणों का दान भगवान नारायण को कर दिया था। भगवान नारायण उनको मार नहीं पा रहे थे, तब भगवान नारायण ने उनसे उनके प्राण का दान मांगा, तो इतने बड़े दानी कि उन्होंने अपना प्राण ही दान कर दिए थे। तो उनके फिर उसके बाद आपके जो बाबा हैं प्रहलाद जी महाराज, वो तो और भी बड़े दानी, और प्रहलाद जी के बाद में फिर आपके जो पिता हैं विरोचन जी महाराज, विरोचन भी बहुत बड़े दानी थे। तो आपकी तो कुल की यही परंपरा है दान करने की, आप तो कहोगे, लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे। को प्रशंसा कर दी, लेकिन आप तो दान देने वाले हो ठीक है, लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो आपके यज्ञ का दर्शन करने के लिए आए। नहीं महाराज, कुछ तो मांग लो, आपका दर्शन करके मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित कर दूं, मैं अपना सर्वस्व आपको समर्पित करना चाहता हूं, महाराज कुछ तो मांग लो। भगवान ने कहा हम सर्वस्व ही लेने आए हैं। बोलो राधे राधे। बहुत जब जिद करी, बड़ा सुंदर संवाद है भगवान वामन का और बलि राजा का। अब ठाकुर जी ने कहा अच्छा ठीक है, आप देना ही चाहते हो, जब इतना मन बन रहा है आपका तो हम तो बहुत संतोषी ब्राह्मण है, हमको ज्यादा नहीं केवल 3 पग पृथ्वी चाहिए, वो भी हमारे पग से नाप कर, मम विक्रमत्रय मिदम, मेरे पग से नाप कर मुझे 3 पग पृथ्वी दान में दे दो। कहा महाराज क्या मांग रहे हो आप, आपके पग से नाप कर हम आपको 3 पग पृथ्वी? बोले हाँ हमारे ही पग से। महाराज हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े असुर, इतने बड़े बड़े राक्षस हैं, वो एक ही पग में कई कई कोस नाप सकते हैं, कई किलोमीटर नाप सकते हैं, कई योजन नाप सकते हैं, उनके पग से नपवा देता हूं। बोले नहीं, देना है तो बस हमारे ही पग से नाप कर लेंगे, शर्त ये है दूसरे का पांव नहीं चलेगा, पांव तो हमारे ही चलेगा। बोलो राधे राधे। तो कहा महाराज ठीक है, जब नहीं मान रहे। बलि राजा ने कहा दत्तम मया, भगवान वामन ने कहा गृहतम मया, उन्होंने कहा हमने दी, भगवान ने कहा हमने ली। लेकिन उसी समय शुक्राचार्य जी भगवान को पहचान गए। अब तो तुरंत शुक्राचार्य जी ने आवाज लगाई, ऐ विरोचन के छोरा मा देहि तृष्णा, अरे बलि मत देना मत देना। किम, क्या कह रहे गुरु महाराज, मैंने इनको वचन दे दिया है,
ये आप क्या कह रहे हैं? अरे ये हरि रयम, ये साक्षात हरि है, वामन बनकर आया है, विराट बनकर नापेगा, तुझको छलने के लिए आया हरि रयम, ये साक्षात श्री हरि ही आए हैं मांगने। और जैसे ही बलि राजा ने सुना हरि रयम, तो कहा पात्रम किमस्मात परम, जब स्वयं श्री हरि ही मेरे द्वार पर मांगने के लिए आ गए तो अब मुझे दूसरा ऐसा पात्र कहां पर मिलेगा दान देने के लिए। तब गुरु जी नाराज हो गए, बोलो राधे राधे। अब गुरु चेला में लड़ाई हो गई, तब यहां पर भगवान की दाल गली, बोलो राधे राधे। क्योंकि जब तक गुरु की कृपा है तब तक फिर ठाकुर जी भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे बलि का, लेकिन अब गुरु जी को नाराज कर दिया ना, बोले नहीं मान रहा है मेरी बात, ठीक है तो फिर वो मैं हटा। और बस अब तो बलि राजा ने जैसे ही ठाकुर जी को प्रणाम किया, भगवान वामन से हुए हैं विराट। बोलिए विराट स्वरूप भगवान की जय। और विराट नारायण ने अब अपना एक पग उठाया, स्वर्ग की तरफ ले गए महाराज। भू भुआ स्वः महा जनः तपः सत्यम, सातों स्वर्गों को ठाकुर जी ने अपने एक पग में नाप लिया। और जैसे ही सत्यलोक ब्रह्मलोक में भगवान का चरण गया, ब्रह्मा जी ने देखा हमारे श्रीमन नारायण का पग आया है, तुरंत ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकाला और भगवान श्रीमन नारायण के पग के अंगूठे को धोया, तो उससे माँ गंगा प्रकट हो गई है। बोलिए गंगा मैया की जय। अब तो भगवान ने एक पग में सातों स्वर्गों को नाप लिया, तो भगवान ने अपना दूसरा पग उठाया, पाताल की तरफ ले गए। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, भगवान ने दूसरे पग में सातों पातालों को नाप लिया, दो पग में 14 लोकों को नाप लिया है भगवान ने। अब भगवान ठाकुर जी तीसरे पग के लिए बलि राजा को परेशान करने लगे, बताओ बलि अब हम अपना तीसरा पग कहां पर रखें, तुमने हमको तीन पग पृथ्वी दान देने में का संकल्प किया था ना, ये तो दो ही पग हुए, अब हम तीसरा पग कहां रखें। भगवान बलि राजा को बहुत परेशान कर रहे हैं आज। आज बड़े बड़े भक्तों की भक्ति भी डगमगाने वाली है, डगमगा गई। आज भगवान का यह जो चरित्र, भगवान की यह जो लीला, किसी को पसंद नहीं आ रही है। बड़े बड़े भक्तों को भी, जो अपनी भक्ति का बड़ा वो करते थे कि हाँ हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं, आज वो भक्त भी भगवान के ऊपर क्रोधित हो रहे हैं। किसी को भगवान का यह व्यवहार, ठाकुर जी का यह व्यवहार जो आज बलि के साथ ठाकुर जी कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान ने कहा तुमने दान का संकल्प किया है तीन पग पृथ्वी का हमको, और फिर दान नहीं दोगे तो तुमको तो नरक में जाना पड़ेगा। भगवान ने अपने दूतों को आज्ञा कर इसको बांध कर नरक में पटक दो। इसने संकल्प करके दान का, फिर हमको तीन पग पृथ्वी नहीं दे पा रहा है, बहुत परेशान कर रहे, बांध कर पटक दिया गया है बलि को। और बंधी बलि कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप भगवान की लीला को देख रहे हैं। भक्तों की भक्ति गड़बड़ा रही है, बोलो राधे राधे। प्रहलाद जी जैसे परम भागवत भक्त, उन्होंने कहा ये तो ठाकुर जी ठीक नहीं कर रहे हैं, तो ठाकुर जी का व्यवहार ठीक नहीं है हमारे पौत्र के साथ में ऐसा, तो बीच में आ गए महाराज ये क्या कर रहे हैं आप। भगवान ने कहा प्रहलाद जी को ऐसा है, प्रहलाद जी आप जरा किनारे हटिए, ये आपसे ऊपर की बात है, ये आपसे ऊपर लेवल में जा चुका है आपका ये पोता। प्रहलाद जी को भी एक तरफ कर दिया। आज भगवान किसी की सुन नहीं रहे। भगवान तीन पग पृथ्वी क्यों मांग रहे हैं पहले ये देख लो। भगवान तीन पग पृथ्वी इसलिए मांग रहे हैं, भगवान तन मन धन तीनों हमसे मांगते हैं। कहो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। तो ये जो नौ प्रकार की भक्ति है, उसमें से नौ प्रकार की भक्ति में से छह प्रकार की भक्ति तो बलि राजा कर रहे थे ठाकुर जी की, लेकिन तीन प्रकार की भक्ति नहीं कर रहे थे, सख्य दास्य और आत्मनिवेदन वाली। तो भगवान ने कहा तीन पग पृथ्वी हमको दे दो दान में, तो तुम्हारी नवधा भक्ति पूरी हो जाएगी, और जब तुम्हारी नवधा भक्ति पूरी हो जाएगी तो तुम हमारे भक्त बन जाओगे, और हम तो अपने भक्तों के ही अधीन हैं।
अधूरे भक्त क्यों बनते हो, पूरे भक्त बनो। तो भगवान ने दो पग में बलि राजा का भी सब कुछ ले लिया है, अब तीसरे पग के लिए भगवान बलि राजा को परेशान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दो पग में बलि राजा ने अपना तो सब कुछ दे दिया है ठाकुर जी को, लेकिन अभी बलि स्वयं तो बाकी है ना। बोलो राधे राधे। दो पग में बलि राजा ने अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन अभी बलि स्वयं बाकी, इसीलिए भगवान बलि को भी स्वीकार करना चाहते, उसको भी लेना चाहते हैं। दो पग में बलि राजा ने अपनी ममता का भी त्याग किया है, लेकिन अब अहंता तो बढ़ गई कि मैं इतना बड़ा दानी, मेरे घर स्वयं ठाकुर जी मांगने के लिए आए। तो ममता का त्याग तो हो गया, लेकिन अहंता तो बढ़ गई, और ये अहंता तो पतन का कारण है, और भगवान अपने भक्त का पतन कैसे होने देंगे, इसीलिए भगवान परेशान कर रहे हैं। बताओ बलि, मैं अपना तीसरा पग कहां रखूं? बहुत परेशान करा है ठाकुर जी ने बलि को। तब बलि ने अब ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपने दो पग में मेरा सब कुछ ले लिया, लेकिन अभी मैं तो बाकी हूं ना, तो ऐसा करिए नवधा भक्ति का जो अंतिम प्रकार है आत्मनिवेदन, उस आत्मनिवेदन को पूरा करते हुए कहा कि पदम तृतीयम कुरुशीर्ष्ण में निजम, हे नाथ अब आप अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर पधराइए। और बलि राजा ने अपने मस्तक को भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में झुका दिया, और ठाकुर जी ने अपना तीसरा पग उठाया, बलि राजा के मस्तक पर पधराया, और बलि राजा को भी स्वीकार कर लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने बलि राजा को स्वीकार कर लिया, अब तो स्वर्ग का जो राज्य है वो देवताओं को दे दिया, पाताल का राज्य दैत्यों को दिया, और अब ठाकुर जी ने बलि राजा से कहा, मांगो बलि अब तुम्हें क्या चाहिए। बोलो राधे राधे, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है। तुम इंद्र बनना चाहते हो ना, तो इस मनवंतर में तो नहीं, लेकिन अगले मनवंतर में हम तुम्हें को इंद्र बनाएंगे, हम तुमको चिरंजीवी का आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि इंद्र तो तभी बनेगा बलि जब जीवित रहेगा, तो हम तुमको चिरंजीवी का आशीर्वाद देते हैं, अगले मनवंतर में हम तुम्हें को इंद्र बनाएंगे। हाँ यदि तुम ये कहते हो कि तुम्हें अभी चाहिए इंद्रासन, तो कोई बात नहीं, भले ही हमने वो इंद्र को दे दिया स्वर्ग, लेकिन अब भले ही युद्ध करके इंद्र से, इंद्र के साथ लड़कर उससे युद्ध करके दोबारा इंद्रासन छीन कर लाना पड़े, तो हम लाने को तैयार हैं, बस तुम एक बार कह दो तुमको क्या चाहिए, मांगो बलि तुम्हें क्या चाहिए। बलि ने कहा, प्रभु अब कोई इंद्रासन नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे, अब आप मिल गए, बस एक इच्छा है। बोले क्या? बोले हम जब भी अपने घर से बाहर निकलें तो द्वार पर हमें आपका दर्शन मिले, जब भी हम अपने घर से बाहर निकले तो दरवाजे पर आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा दरवाजे पर दर्शन हो, मतलब द्वार पर, और जब भी बाहर निकलो। बोले हाँ जब भी बाहर निकले, तो मतलब तो तुम ये कहना चाहते हो कि हम तुम्हारे द्वारपाल बन जाएं, तुम्हारे चौकीदार बन जाएं तुम्हारे दरवाजे के। बोले महाराज वो आप जानो, तो भगवान तो भक्तवत्सल है ना, अपने भक्तों के अधीन, भक्ति सूत्रोप नद्धा, भक्ति के बंधन में बंध जाते हैं परमात्मा। तो भगवान बलि राजा के द्वारपाल बनकर उनके दरवाजे पर आज भी खड़े हुए हैं। अब बलि राजा के यहाँ भगवान द्वारपाल बनकर चले गए, उनके यहाँ रहने लगे, तो लक्ष्मी जी ढूंढने के लिए निकली ठाकुर जी को। बोलो राधे राधे, लक्ष्मी जी ढूंढने के लिए निकली कि ठाकुर जी कहीं वामन बनकर गए थे, बहुत दिन हो गए लौट कर ही नहीं आए अभी तक। लक्ष्मी जी को चिंता हुई, ढूंढ रही हैं कहीं मिल नहीं रहे ठाकुर जी, कहाँ चले गए। तब नारद जी दिख गए, नारद जी को आवाज लगाकर बुलाया, अरे बेटा नारद जरा इधर तो आओ। तो नारद जी आए पास में, कहा क्या हुआ माता जी? बोले ये बताओ नारद कि भगवान श्रीमन नारायण कहाँ चले गए हैं, इन भक्तों ने तो मेरी नाक में दम करके रखा है। बोलो राधे राधे, कभी भगवान नारायण को कुछ बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं, और अभी तो एक छोटे से वामन का रूप बना कर गए थे,
और बहुत दिन हो गए लौट कर नहीं आए, तुम्हें खोजने के लिए आई हूं, कहां है तुम्हें पता है? तो बोले माता जी आप चिंता मत करो, आजकल ठाकुर जी को नौकरी मिल गई है। बोलो राधे राधे, काम धंधा मिल गया है, रोज पड़े रहते थे घर में, कुछ काम था नहीं, तो अब नौकरी लग गई है। बोले कहां लग गई है नौकरी? बोले बलि राजा के यहाँ चौकीदारी कर रहे हैं। कहा अच्छा, बलि क्या? मतलब बलि तो मेरा भाई है, चलो कोई बात नहीं अभी जाती हूँ। और यहाँ पर लक्ष्मी जी आई हैं, माँ लक्ष्मी जी ने आकर अब तो बलि राजा की कलाई पर महाराज राखी बांधी है, रक्षा सूत्र बांधा है। और जब लक्ष्मी जी की राखी बलि राजा की कलाई पर बंध गई, तो जिसकी कलाई पर माँ लक्ष्मी की राखी बंधी हो उसका फिर काल भी बाल बांका नहीं कर सकता है। इसीलिए ब्राह्मण लोग जब हमारे हाथ में ये रक्षा सूत्र बांधते हैं तो ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ते हैं ना, और उस मंत्र में क्या कहते हैं ब्राह्मण लोग? जय नवंदो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेनत्वाम प्रतिबद्धानी रक्षे माचल माचल। मतलब उस समय माँ लक्ष्मी की दुहाई देते हैं बलि राजा और माँ लक्ष्मी की, ये जो प्रसंग की दुहाई देते हैं कि जिस प्रकार से माँ लक्ष्मी की राखी रक्षा सूत्र भगवान यहाँ पर बलि राजा के हाथ में बंधा तो बलि राजा चिरंजीवी हो गए, उसी प्रकार से हमारे ये यजमान देवता भी चिरंजीवी हों, इनकी भी ठाकुर जी इसी प्रकार से बलि की तरह रक्षा करें, ऐसी वो आशीर्वाद देते हैं रक्षा सूत्र बांधते हुए। तो माँ लक्ष्मी की राखी जिसकी कलाई पर बंध गई हो उसका तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। बाद में तो कहा प्रभु ये जो भैया बलि, ये जो तुम्हारे द्वारपाल है, ऐसा करो इनको तुम मुक्त कर दो, नौकरी से निकाल दो। बोले बहना इसमें तुम्हें क्या मिलेगा? बोले नहीं, इनको तो तुम मुक्त कर ही दो। तो कहा ये तुम्हारे कुछ लगते हैं क्या? तो लक्ष्मी जी ने कहा अब लगते तो हैं। बोले क्या लगते हैं? कहा अब हम नाम तो नहीं ले सकती हैं। बोलो राधे राधे। तो कहा जब नाम नहीं ले सकते हैं तो बलि राजा समझ गए, कहा तब तो ठीक है। ठाकुर जी से प्रार्थना करी, कहा नाथ माँ लक्ष्मी आपको लेने के लिए आई हैं। बोले बस एक रूप से हम सदा सर्वदा आपके साथ रहेंगे और एक रूप से हम लक्ष्मी जी के साथ जा रहे हैं। तो आज भी भगवान वामन बलि राजा के द्वार पर उनकी रक्षा कर रहे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बलि वामन का सुंदर संवाद सुनाया, जो बलि वामन भगवान वामन का पूजन करता है जीवन में उसको कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है, ठाकुर जी अनायास उसकी पूर्ति अपने आप कर देते हैं, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा कि हमको कुछ जरूरत है कि हमको कुछ दे दो, भगवान बिना प्रयास के ही स्वतः उसकी सब व्यवस्था कर देते हैं। ये बलि वामन सुंदर संवाद कथा का रहस्य है। उसके बाद में तो महाराज सत्यव्रत राजा की कथा सुनाई है। ये जो सत्यव्रत राजा हैं, इन सत्यव्रत राजा की मत्स्य नारायण ने प्रलय काल में सर्व औषधियों के साथ में और सप्त ऋषियों के साथ में रक्षा करी। बोलो मत्स्य नारायण भगवान की जय। और संसार के लोगों को ये बताया जो धर्म के मार्ग पर चलता है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, मैं प्रलय काल में भी उसकी रक्षा करता हूँ। उसके बाद में तो महाराज यहाँ पर अष्टम स्कंद को विराम दिया, अब नवम स्कंद की कथा आती है। ये जो नवम स्कंद है ये ईशानु कथा है। ईशानु कथा मतलब ईश माने ईश्वर, अनु माने उनका जो अनुसरण करने वाले यानी उनके भक्तों के चरित्र की कथा है। अष्टम स्कंद में भगवान के अवतारों की कथा है और नवम स्कंद में भगवान के भक्तों के चरित्र की कथा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज आपने हमको मनवंतरों की कथा सुनाई है, अब हमको भगवान के भक्तों के चरित्र की कथा सुनाइए। तब सुखदेव जी ने कहा देखो राजन, मनु महाराज के वंश को तुम संक्षेप में सुनो, क्योंकि यदि कोई विस्तार करे और 100 वर्ष तक भी बोलता रहे तो उसका अंत आने वाला नहीं है।
सबसे पहले शेषशायी नारायण, भगवान शेषशायी नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के मन से हुए मरीचि, मरीचि से हुए हैं कश्यप, और कश्यप को महाराज अदिति से विवश्वान नाम का सूर्य हुआ, वह वैवस्वत मनु भी कहलाए, वे श्राद्ध देव मनु भी कहलाए। संज्ञा नाम की रानी से इनको 10 पुत्र हुए हैं। सिद्युम्न इला आदि की कथा यहाँ पर पहले बताई गई है। तो देखो, लेकिन इस प्रसंग में ये जो भागवत का आख्यान है, ये बड़ा सुंदर आख्यान है। इसमें यह बताया गया है कि भगवान ने जिसको जिस परिस्थिति में रख छोड़ा, उसने उस परिस्थिति का स्वीकार करते हुए, भगवान का आभार मानते हुए भगवान का भजन किया और उनकी शरण में गया। चाहे जीवन में सुख आया, चाहे दुख आया, चाहे जीवन में संपत्ति हो, चाहे विपत्ति हो, कैसी भी परिस्थिति जीवन में रही, किसी को कम मिला, किसी को ज्यादा मिला, वो सबका मतलब नहीं, हर परिस्थिति में भगवान की शरणागति स्वीकार करी। इस आख्यान में ये भक्तों का बताया है। मनु महाराज के एक पुत्र का नाम है कवि। वो कवि तो बस विरक्त ही हो गए, वो बचपन से ही राजपाट के चक्कर में नहीं पड़कर विरक्त होकर भगवान के भजन में लग गए। मनु महाराज के एक पुत्र का नाम है पुषग्र। ये जो पुषग्र हैं, ये गुरु भक्त थे। पुषग्र विद्या अध्ययन करने के लिए गए गुरु महाराज के यहाँ, तो पढ़ाई वढ़ाई में इनका मन ज्यादा लगता नहीं था, तो गुरु महाराज ने कहा, देखो पुषग्र, तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो ऐसा करो, तुम गायों की सेवा करो। देखो, जिन बच्चों की बुद्धि कमजोर हो, जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता हो, तो उन बच्चों को गौ माता की सेवा में लगा देना चाहिए। बोलो राधे राधे। यदि गौ माता की सेवा करेंगे, तो गौ माता की सेवा से उनकी बुद्धि फिर बहुत तेज हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी, क्योंकि गौ माता के तो गौ मूत्र में ही सरस्वती जी का वास है। हाँ, तो जो गौ माता की सेवा करते हैं महाराज, उनकी बुद्धि तेज हो जाती है। जो गाय का दूध पिएगा, उसकी बुद्धि तेज होगी, और जो भैंस का दूध पिएगा, उसकी बुद्धि, बोलो राधे राधे। हाँ, सीधी बात है। देखो, गाय का जो बछड़ा होता है, गाय का दूध पीने वाला, उसका गाय का बछड़ा, वो कितना चंचल होता है ना। गाय के बछड़े को आप पकड़ना चाहो, यदि उसको छोड़ दिया और वो भागने में आया, तो फिर उसको पकड़ना आसान नहीं होता है, बहुत दौड़ाता है महाराज, और इतना चंचल होता है, ऐसा छरफरा होता है, एकदम उछलता है हिरण की तरह बछड़ा। और लेकिन जो भैंस का बच्चा होता है, जो पड्डा होता है भैंस का, वो कैसा होता है, एकदम सुस्त सुस्त सा। देखा है ना आप लोगों ने किसी भैंस के, उसको वो तो हिलता है, जैसे उसको यूं धक्का दे दो तो वो हिल जाएगा, और यूं करो तो इधर हो जाएगा, एकदम सुस्त सुस्त सा, स्थूल टाइप का। तो फिर तो गाय का दूध पियोगे तो बछड़े जैसे फुर्तीले हो जाओगे, और भैंस का ज्यादा दूध पियोगे तो फिर उसके जैसे हो जाओगे। बोलो राधे राधे। दूसरी बात, गाय का जो बछड़ा है वो किसका वाहन है? गाय का जो बछड़ा है नंदी बाबा, वो किसका वाहन है? भगवान शिव जी का वाहन है ना बछड़ा नंदी बाबा। तो यदि गाय का दूध पियोगे तो तुम्हारा शिव होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन जो भैंस का बच्चा है वो किसका वाहन है? यमराज का। बोलो राधे राधे। हाँ, फिर यम के धाम जाना पड़ेगा, इसलिए गौ माता की सेवा करो, गौ का दूध पियो, और कल्याण आपका धर्ममयी दृष्टि होगी। धर्म है, बछड़े को धर्म भी कहा गया है। तो पुषग्र महाराज गायों की सेवा किया करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, रात्रि में गौशाला में एक बाघ घुस आया, शेर, गायों को खाने के लिए। शेर की गायों की आवाज सुनकर पुषग्र महाराज दौड़े बछड़ों को, यहां पर गायों को बचाने के लिए। लेकिन तभी अचानक पुषग्र महाराज ने जैसे ही खड्ग चलाया, खड्ग चलाते ही क्या हुआ, उन्होंने मारा तो शेर को था,
लेकिन शेर का तो केवल एक कान कटा, लेकिन एक गाय का पूरा मस्तक कट गया। तो पुष्यग्र महाराज से गौ हत्या हो गई। अब गुरु जी को तो क्रोध आ गया, गुरु जी ने तो शाप दे दिया, अरे तुमने ये क्या कर दिया, तुमने तो गौ हत्या कर दी, तुमने तो म्लेच्छ का काम कर दिया, जाओ तुम म्लेच्छ हो जाओ। तो पुष्यग्र महाराज म्लेच्छ बन गए, लेकिन उन्होंने गुरु जी का विरोध नहीं किया, गुरु जी का आभार माना, हाथ जोड़कर कहा गुरु जी आपने हमको शाप देकर हमारे ऊपर कृपा ही करी है। कहा क्यों? कहा पहले तो देखो बड़े बड़े राजा बड़े बड़े महाराजा राजपाट करते हैं, और राज करने के बाद में उनका जो राज्य है वो अपने बच्चों के ऊपर छोड़कर बाद में भगवान का भजन करते हैं, लेकिन आपने तो हमारे ऊपर ये भार आने ही नहीं दिया, आपने तो हमको अभी से ही राज सत्ता से वंचित कर दिया, तो बस अब तो हम अभी से ही जा रहे हैं जंगल में और अभी से ही भगवान का भजन करेंगे। तो गुरु जी का आभार माना है पुष्यग्र महाराज ने। उसके बाद मनु महाराज के एक पुत्र हुए हैं नभग, नभग के हुए हैं नाभाग। मनु महाराज के एक पुत्र का नाम है राजा सरियाती। ये जो राजा सरियाती हैं, इन राजा सरियाती की एक कन्या थी जिसका नाम था सुकन्या। तो देखो भैया यदि पुत्र सुपुत्र हो तो केवल और केवल पिता के कुल का उद्धार करता है, लेकिन कन्या यदि सुकन्या हो तो दो दो कुलों का उद्धार करती है, पिता के कुल का भी उद्धार करती है और पति के कुल का भी उद्धार करती है यदि सुकन्या है तो, और पुत्र यदि सुपुत्र है तो केवल अपने पिता के ही कुल का उद्धार कर पाएगा, वो दो कुल का उद्धार नहीं कर सकता है। क्या हुआ, एक बार राजा सरियाती जंगल में शिकार खेलने के लिए गए अपने परिवार को बच्चों को सबको साथ में लेकर। रात्रि में वहां पर शिविर लगाए गए और सुबह होते ही महाराज राजा सरियाती तो जंगल में शिकार खेलने को चले गए, और यहाँ पर जो सुकन्या है उनकी पुत्री राजकुमारी वो अपनी सखियों के साथ में घूमने के लिए निकली है जंगल में। तो बगल में ही चमन ऋषि का आश्रम था, और ये चमन ऋषि हजारों वर्षों से आँख बंद करके समाधि लगाकर बैठे हुए थे। तो चमन ऋषि का जो पूरा का पूरा शरीर है ना वो दीमक का ढेर बन गया था, केवल उस दीमक के ढेर में चमन ऋषि की दो आंखें चमक रही थी, बाकी पूरा का पूरा शरीर तो दीमक के ढेर में परिवर्तित हो चुका था। तो ये सुकन्या जब घूमते हुए आई चमन ऋषि के आश्रम में तो देखा कि अरे ये क्या, देखो दीमक के ढेर में ये दो क्या चमक रहा है आंखों जैसा, जरा देखें तो क्या है। और महाराज एक कांटा लिया और उन दोनों आंखों में चुभो दिया वो कांटा, अब तो रक्त बहने लग गया चमन ऋषि की आंखों से, और कन्याएं सब घबरा गई, आंखें फूट गई ऋषि की, ये दौड़ी दौड़ी शिविर में आई डर के मारे। लेकिन अब यहाँ तो ऋषि का अपराध हो चुका था ना, तो जितने भी लोग आए थे राजा सरियाती के साथ यहाँ पर सबकी अपान वायु बंद हो गई, बोलो राधे राधे, जो अपान वायु जो है महाराज सब बंद हो गई, सबके प्राण सूखने लग गए, अब तो सब अपना पेट पकड़ पकड़ कर इधर से उधर भागने लगे, अब क्या होगा, अब तो सबके प्राण संकट में है। तब भगवान यहाँ पर राजा सरियाती ने पूछा कि यहाँ बगल में चमन ऋषि का आश्रम है, किसी ने कोई गलती तो नहीं कर दी, कोई अपराध तो नहीं कर दिया उनका। तब सुकन्या ने बताया कि हाँ पिताजी ऐसे ऐसे हमने आज एक ऋषि को अंध कर दिया। तब तो कह रहे बेटी तुमने, ये तो चमन ऋषि होंगे, वो उन्हीं का आश्रम है यहाँ कहीं अगल बगल में, तब तो चलो बेटी हम उनकी शरण में। सब लोग आए, राजा सरियाती ने बहुत क्षमा मांगी, महाराज हमारी पुत्री से गलती हो गई है, अनजाने में हमारी कन्या ने आपकी आंखों को फोड़ा है, अब हम सबके प्राण संकट में, हमारी रक्षा करो। तो फिर चमन ऋषि को दया आ गई, कहा ठीक है जाओ, सबकी अपान वायु चालू हुई। अब तो यहाँ पर सुकन्या ने अपने पिता से कहा देखो पिताजी मैंने इन ऋषि को अंध किया है, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं इनकी सेवा करूं, अब आप मेरा विवाह इनके साथ में कर दीजिए तो मैं इनकी सेवा करूंगी। राजा सरियाती ने भी अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह
चमन ऋषि के साथ में कर दिया। लेकिन देखो ये सुकन्या पतिव्रता है, अपने पति बूढ़े हैं अंध हैं, लेकिन फिर भी सुकन्या ने अपने पति की सेवा में ऐसा मन लगाया, ऐसा मन लगाया कि इनके पातिव्रत से प्रसन्न होकर देवताओं के जो वैद्य हैं अश्वनी कुमार वो प्रसन्न हो गए, और उन अश्वनी कुमारों ने चमन ऋषि का ऐसा इलाज किया कि उनकी दोनों आंखें वापस आ गईं और उनका बुढ़ापा भी चला गया, एकदम युवान 16 वर्षीय युवा हो गए चमन ऋषि। तो हम लोग जो चमन प्रास खाते हैं ना, बोलो राधे राधे, चमन प्रास का जो बड़ा प्रचार होता है वो चमन ऋषि की ही के लिए ही बनाया गया था, ये उनको युवा करने के लिए। लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी सब विधियाँ लुप्त हो गई, आजकल तो बस कंपनी वाले उनको तो बेच रहा है शक्कर घोल के और आंवला घोल के दे देते हैं, उसमें क्या क्या औषधियाँ डली वो धीरे धीरे सब लुप्त हो गया। हमारे यहाँ तो सब विज्ञान था ही, चमन ऋषि ने वो पुनः युवा बन गए, उनकी दोनों आंखें वापस आ गई। बाद में तो ये जो अश्वनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, इन अश्वनी कुमारों को देवताओं ने यज्ञ भाग से वंचित करके रखा था, तो चमन ऋषि ने इन अश्वनी कुमारों को यज्ञ भाग दिलवाया यज्ञ करके। तो शुरू में तो देवराज इंद्र ने बहुत विरोध किया, लेकिन चमन ऋषि के तपोबल के आगे देवराज इंद्र की भी एक नहीं चली। समझाया चमन ऋषि ने देवराज इंद्र को, देखो देवराज ये जो अश्वनी कुमार हैं ये तुम्हारे वैद्य हैं, तुमको कुछ भी सर्दी जुखाम बुखार कुछ होता है तो यही तो तुम्हारा इलाज करते हैं, और इन्हीं को तुम यज्ञ भाग से वंचित रखोगे। तो अश्वनी कुमारों को यज्ञ भाग दिलाया, तो ऐसी पुत्री को प्राप्त करके राजा सरयाती का भी भला हो गया और यहां पर चमन ऋषि का भी उद्धार हो गया। यदि पुत्र सुपुत्र हो तो केवल एक कुल का उद्धार करता है, कन्या सुकन्या हो तो दो दो कुलों का उद्धार करती हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। उसके बाद में इनके वंश में नभग हुए हैं, नभग के हुए नाभाग, ये जो नाभाग हैं पितृ भक्त थे। जब नाभाग विद्या अध्ययन करने के लिए गए तो इनके जो अन्य भाई थे उन भाइयों ने सोचा ये जो नाभाग है ना ये भक्त लगता है संसार में नहीं आएगा, ये वहीं गुरुजी के ही आश्रम में रहेगा। तो सभी भाइयों ने आपस में मिलकर पिता की संपत्ति का आपस में बंटवारा कर लिया, और जब नाभाग की पढ़ाई पूरी हुई और नाभाग जब लौट कर आए अपने पिता नभग को प्रणाम किया तो कहा बेटा तुम आ तो गए लेकिन मेरी सारी संपत्ति का बंटवारा तुम्हारे भाइयों ने आपस में कर लिया है, तो अब ऐसा करो तुम अपने भाइयों के पास में जाओ और भाइयों के पास में जाकर उनसे कहो कि उन्होंने तुम्हारे लिए जो भी रखा होगा वो तुमको देंगे, अपने भाइयों से जाकर मांगो। नाभाग आए अपने भाइयों के पास में तो भाइयों से कहा भैया भैया पिताजी ने हमको आपके पास भेजा है, आपने पिताजी की संपत्ति का आपस में बंटवारा कर लिया है तो आपके पास आपने हमारे हिस्से में जो भी रखा हो सो हमको दे दो। भाई तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लग गए क्योंकि नाभाग के लिए तो इन्होंने कुछ रखा ही नहीं था, सब आपस में ही बांट लिया था, भाई को नाभाग के लिए कुछ भी नहीं था, क्या करें अब ये तो मांगने के लिए आ गया। तो सब भाइयों ने मिलकर करे अरे नाभाग हमने तुम्हारे हिस्से में रखा है ना, हमने तुम्हारे हिस्से में पिताजी को रख छोड़ा है। बोलो राधे राधे, तुम पिताजी की सेवा करो, हमने तुम्हारे हिस्से में पिताजी को रखा है। नाभाग तो बड़े प्रसन्न हो गए, नाभाग ने कहा बस अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे माता और पिता को आपने हमारे हिस्से में रख दिया और क्या चाहिए हमको। और नाभाग प्रसन्न होकर आए अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करके कहा माता पिता भाइयों ने हमारे हिस्से में आपको रख छोड़ा है, हम आपकी सेवा करेंगे। और महाराज
अब तो यहाँ पर नाभाग ने अपने माता पिता की ऐसी सेवा करी, ऐसी सेवा करी कि उनकी सेवा से उनके माता पिता प्रसन्न हुए। और देखो हमारी बात सुनो ध्यान से, जो अपने माता पिता की सेवा करता है उसके घर में भगवान शिव जी की भी कृपा उतरती है। बोलो राधे राधे। यहां पर नाभाग की घर गृहस्थी अब ऐसी चली, भगवान शिव जी की कृपा इनके ऊपर ऐसी हुई कि इनके घर में तो सोने के बर्तन आ गए। बोलो राधे राधे। सोने के बर्तन आ गए हैं नाभाग के घर, ऐसी भगवान की कृपा। और इनके घर में भगवान का ऐसा परम भागवत पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका इस जगत में संसार में नाम कौन नहीं जानता है। नाभाग के घर में अम्बरीश जी महाराज का प्राकट हुआ है। बोलिए अम्बरीश जी महाराज की जय। ये अम्बरीश जी महाराज तो भगवान के परम भागवत भक्त थे, परम भागवत भक्त जिनका 24 घंटे केवल और केवल भगवान की सेवा में बीतता था। चक्रवर्ती राजा बने हैं अम्बरीश जी महाराज, लेकिन हर पल हर एक क्षण भगवान की सेवा में ही लगे रहते थे। तो किसी ने कहा जब अम्बरीश 24 घंटे भगवान की ही सेवा में लगे रहते थे तो उनके राजपाट को कौन संभालता था। कहा कि वो तो भगवान की सेवा में लगे रहते थे अम्बरीश, लेकिन भगवान श्रीमन्नारायण अम्बरीश के मंत्री बनकर, उनके सेनापति बनकर, जहां जो जरूरत पड़े भगवान श्रीमन्नारायण वही बनकर उनके सेवक के रूप में खड़े रहते थे। बोलो भक्तवत्सल भगवान। अम्बरीश भगवान की सेवा में और भगवान अम्बरीश की सेवा में। भक्तवत्सल है हमारे ठाकुर जी। एक बार तो दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश महाराज का अपराध कर दिया ना, आप लोग तो कथा जानते ही हो सब। दुर्वासा ऋषि ने कि हमको भोजन कराए बगैर तुमने भोजन कैसे कर लिया, तुमने भोजन भी नहीं, वो तो केवल भगवान का चरणामृत ही लिया था, तुमने हमारा अपराध किया है, हमारा अपमान किया, हमको भोजन का निमंत्रण देकर तुमने पारायण कर ही कैसे लिया एकादशी का। तो उन्होंने जटा पछाड़ी है अपनी, और जैसे ही जटा पछाड़ी तो उससे कृत्या प्रकट हुई। कृत्या को दुर्वासा ऋषि ने आज्ञा करी कि राजा अम्बरीश को तुम खत्म कर दो। अब तो महाराज वह कृत्या दौड़ी दौड़ी आई अम्बरीश को मारने के लिए, लेकिन उसी समय भगवान का जो सुदर्शन चक्र है वो अम्बरीश जी महाराज की सुरक्षा में हर समय रहता था। जैसे ही वो कृत्या आई, भगवान के सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या का नाश किया, और बाद में उस कृत्या को प्रकट करने वाले दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ी है। दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ा भगवान का चक्र, देखा दुर्वासा ऋषि ने तो घबराए, भागने लगे, सब जगह गए, किसी ने भी यहां दुर्वासा ऋषि की रक्षा नहीं करी। तब नारद जी को दया लगी तो नारद जी ने कहा देखो दुर्वासा ऋषि, यदि बचना चाहते हो ना तो जिसका ये चक्र है उसी की शरण में चले जाओ, तभी बच पाओगे। तब तो दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े भगवान विष्णु की शरण में आए। भगवान विष्णु ने कहा देखो दुर्वासा ऋषि, इस समय तो हम अपने भक्तों के अधीन हैं, जैसा हमारा भक्त चाहता है वैसा ही हम करते हैं। इस समय हमने यह चक्र अपने भक्त अम्बरीश की सेवा में दे रखा है, यदि अम्बरीश चाहेंगे तभी तुम बच सकते हो, तो अम्बरीश की शरण में चले जाओ यदि बचना चाहते हो। तो आकर अम्बरीश की शरण में आकर हाथ जोड़कर कहा हे भगवत भक्त राजा, हम से अपराध हो गया तुम्हारा, हमारी रक्षा करो, ये भगवान का चक्र हमें मार देगा, हमारी रक्षा करो। कहा महाराज आप क्या कर रहे हैं, आप हमको प्रणाम करें, ये तो अपराध है, हम आपके सेवक हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। भगवान के चक्र को शांत करके और दुर्वासा ऋषि की रक्षा करी। लेकिन देखो ये तो दुर्वासा ऋषि की केवल लीला मात्र है, ये दुर्वासा ऋषि कोई सामान्य नहीं, भगवान शिव जी के ही अवतार हैं। दत्त दुर्वासा और चंद्रमा जो अत्रि और अनुसुईया के घर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश बालक बनकर आए, तो उसमें से जो भगवान विष्णु हैं वो दत्त भगवान बनकर आए,
ब्रह्मा जी जो है चंद्रमा बनकर आए और भगवान शिव दुर्वासा ऋषि बनकर आए हैं। तो इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि भगवत भक्त का अपराध तो नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने केवल ऐसी लीला मात्र करी है ताकि लोगों को राजा अम्बरीश की महिमा पता चले, सारा जगत सारा संसार भगवत भक्त अम्बरीश की महिमा को जाने, अम्बरीश को पहचाने। तो इतने बड़े भक्त हुए जिनकी रक्षा में स्वयं भगवान का सुदर्शन चक्र लगा रहता था, ये माता पिता की सेवा का प्रभाव था।